Hi students, I am very happy that you have sent the previous class's work. Very good. ऐसे ही हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है बेटा. In today's class, we'll continue the chapter, the best Christmas present in the world, page number 196, paragraph 5. Captain Jim MacPherson, I replied. तो हम वो लेटर के बारे में पढ़ रहे थे जो कोनी को लिखा गया था, मिस्टर कोनी. तो उस लेटर में जर्मन एंड ब्रिटिश के बीच में क्रिसमस के दिन कौन सा इंसिडेंट, कौन सी घटना घटित हुई थी, उस बारे में उस लेटर में लिखा हुआ है. वी आर कंटिन्यूइंग कि यहाँ पे जब एक जर्मन एक ब्रिटिश सोल्जर को विश कर रहा है हैप्पी क्रिसमस, तब की ये घटना है. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. तो यहाँ पे लेखक रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉरसेट से. आ डॉरिस, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. तो जर्मन ऑफिसर कहता है कि ओ आप डॉरसेट से हैं, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं. तो इस तरह से बातचीत आगे बढ़ने लगी एक जर्मन और एक ब्रिटिश सोल्जर के बीच. वी शेयर माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट साउसेज. तो उनके पास खाने पीने के लिए रम और साउसेज था, तो दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे थे. एंड वी टॉक्ड. कोनी, हाउ वी टॉक्ड. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉरसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड. हम अच्छे से बात कर रहे थे कोनी, और वो इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा था इंग्लिश में, परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहा था, पर हकीकत ये है कि वो कभी डॉरसेट भी नहीं गया हुआ था और ना ही कभी इंग्लैंड के किसी अन्य शहर. बट ही हैड लर्नड ऑल द ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. लेकिन उससे काफ़ी नॉलेज था इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लैंड का, और ये सारा नॉलेज उसने बुक्स से गेन किया था. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड. उस सोल्जर का फेमस राइटर थे थॉमस हार्डी, और उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बादशाहबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉरसेट. और फिर हम इन सारे किरदारों के बारे में बातचीत करते करते नो मैन लैंड से गुजर रहे थे. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो. उसके एक पत्नी थी और एक छोटा सा शिशु था जो सिर्फ 6 माह का ही था. ये उसने अपनी पर्सनल बात मुझसे शेयर की थी. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेर हर्ल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड. स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. तो मैंने इधर उधर मैंने भी अपनी नज़र फेरी बात करते करते, तो मुझे खाकी का यूनिफॉर्म दिखाई दिया. उसके अलावा कहीं धुआं तो कहीं भूमि, तो कभी हंसना तो कभी बातें करना, तो कभी हम रम पी रहे थे तो कभी हम सॉसेज खा रहे थे. बस यही मुझे दिखाई दे रहा था. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. तो इस तरह से हैंस वुल्फ और मैं, मीन्स लेखक, आई मीन्स यहाँ पे लेखक है, तो ये दोनों ने बाकी जो भी बातचीत थी सारी शेयर की. कोनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. और फिर उसने, हैंस वुल्फ ने, जो जर्मन सिपाही था, उसने ये भी शेयर किया कि उसका सबसे फेवरेट डिश मार्जिपन था, सबसे अच्छा लगता था उसे. आई एग्रीड, और मैं सहमत हुआ उसकी बात से
वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों एक दूसरे की बात से सहमत थे, हम दोनों एक दूसरे की हर बात से सहमत थे. एंड ही वॉज माई एनिमी, पर वो मेरा शत्रु था और मैं उसका शत्रु था. देर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने लाइफ में कभी भी ना सेलिब्रेट की थी और ना मेरे लाइफ में कभी ऐसी पार्टी हुई थी. टू एनिमीज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विदाउट एनी डिफरेंसेस. ओके बेटा, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज की क्लास. एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक पैराग्राफ 5 पेज नंबर 196, पैराग्राफ 5 के 2 क्वेश्चन आंसर्स जो इसी पैराग्राफ में अभी हमने रीडिंग की थी. बी गुड स्टूडेंट्स एंड राइट नीटली इन योर नोटबुक एंड सबमिट टू मी बाय टुमारो. ओके, अंटिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.